हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर इनक्लोज्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट। और क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन व्हिच हैज फोर लाइन सेगमेंट। एग्जांपल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। इट इज अ क्लोज फिगर फॉर्म विथ फोर लाइन सेगमेंट। इट हैज फोर वर्टेक्स, फोर साइड्स, 1, 2, 3, 4। या ये कहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर होता है जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। फोर लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये चार लाइन सेगमेंट हैं और इसके चार वर्टेक्स हैं और ये जो इंक्लूज फिगर दिख रहा है वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट रेक्टेंगुलर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड पैरेलल, फोर्थ काइट, फिफ्थ ट्रेपेज़ियम, सिक्स रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं? सिक्स टाइप के। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काई, ट्रेपेज़ियम, रोम्बस। रेक्टेंगल के बारे में भी आप जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। काइट, टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर, एडजेसेंट साइड। ट्रेपेज़ियम, वन पेयर ऑफ पैरेलल्स है, ये लाइन इसके पैरेलल है। रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये है आपके पास टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जानेंगे, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब हम जब पढ़ेंगे तो यही आएगा आपके सामने क्वेश्चन में। कोई रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, काइट जनरली इससे क्वेश्चन होते नहीं है, ट्रेपेज़ियम आ सकता है, आया होगा रोम्बस। तो काइट को छोड़ के और सारी चीजें आपके सामने आएंगी। अब देखो इसको हम ये कहते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है? इट इज अ पॉलीगन, इट इज अ पॉलीगन। पॉलीगन क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइन सेगमेंट से जो भी इंक्लोज, जो भी क्लोज्ड फिगर बनता है लाइन सेगमेंट से, उनको हम कहते हैं पॉलीगन। और ये पॉलीगन है, कितनी साइड का पॉलीगन है? फोर साइड का। तो अगर हम टोटल एंगल निकालें तो इसका फार्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180। कोई भी पॉलीगन हो और अगर उसका अगर आपको टोटल एंगल पता करना है तो ये होगा एन माइनस टू इंटू 180। एन मीन्स साइड, फोर साइड है, फोर माइनस टू इंटू 180, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 180 और ये आ जाएगा 360 डिग्री।
मतलब क्वाड्रिलेटरल में कितने डिग्री का टोटल एंगल होता है? टोटल इंटीरियर एंगल 360। अच्छा रेक्टेंगल में कितना होगा? 360, क्योंकि चार ही साइड से बना है। स्क्वायर में 360, पैरेललोग्राम में, टाइप में, ट्रेपेजियम में, रोम्बस, ये सभी आपके क्वाड्रिलेटरल है और इन सभी में कितने डिग्री का टोटल एंगल होगा? इंटीरियर एंगल 360। और एक्सटीरियर एंगल का भी सम होता है, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो ये आपके पास हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। उसके पहले कुछ थ्योरम होंगे, तो थ्योरम में कुछ थ्योरम काफी इजी होगा और आप इसे समझ सकते हैं, और उन थ्योरम का यूज करके जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो जो थ्योरम मुझे लगेगा कि ये बताने लायक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जैसे आप थ्योरम 8.1 को अगर देखें, तो अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको दिया है पैरेललोग्राम का डायगोनल, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं थोड़ा सा। पैरेललोग्राम ये आपका हो गया डायगोनल, ए बी सी डी आपके पास ये पैरेललोग्राम है और ये क्या है? एक डायगोनल है इसका। अगर ये डायगोनल है तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इतना आपको मिला है। और ये है आपके पास कॉमन लाइन दोनों ट्रायंगल की, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड कॉमन है। तो आपको क्या मिल जाएगा? ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो थ्योरम में आपको कॉन्ग्रुएंसी यूज करना था और लिखा था डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपको बस यही बताना था ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और भी तरीके हैं कि आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या कहा साइड साइड साइड, अगर आप चाहें तो इसको साइड सॉरी एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं। ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल एंगल और एंगल एंगल और बीच में क्या है? साइड। तो आप इस तरीके से भी इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो दोनों जो ट्रायंगल आएंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही है, आपको बस उस मेन लाइन की जरूरत होती है। अगर जरूरत कभी पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो किसी भी पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये मुझे जरूरत जब पड़े तो हम इसे नोट कर सके। तो ऐसे कुछ थ्योरम है जो जरूरत होगी वो हम आपको बता देंगे। आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें रेशियो का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम तुरंत उसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं x। कोई भी आपको दिया हो और कोई भी आपको वेरिएबल मन करे वो आप उसे यूज कर सकते हैं और देखिए वो क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, तो ये हो जाएगा लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, पहले दिया है 3 to 3x, दूसरा है 5 to 5x, 9x, 13x। और आप जानते हैं टोटल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x 5x, 9x plus 13x is equal to 360. 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17, 3, 20 or 10, 30x is equal to 360. Therefore, x is equal to 12. x की वैल्यू क्या आ गई? 12. अगर ये x की वैल्यू 12 आ गई, तो पहला एंगल कितना होगा? 3x. तो 3 into 12 is equal to 36 degree। पहला एंगल कितना होगा?
36, दूसरा है 5 plus, तो 5 into 12 is equal to 60, तीसरा है आपके पास 9x और 9 into 12 is equal to 108 और फोर्थ है बच्चे 13x is equal to 13 into 12 is equal to 156. अब ये सभी सम एंगलों का सम अगर हम करते हैं तो 360 भी आ जाएगा. और ये यही क्वेश्चन जो था जो प्रूव नहीं करना था, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी जिसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे. अब जो है क्वेश्चन वो आपको प्रूव करना होगा. अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है पैरेललोग्राम के जो क्या है आपको दिया है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो इक्वल होता है. आप जानते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं. एक लेंथ में बड़ी होती है, दूसरी लेंथ में छोटी होती है. लेकिन कंडीशन आपको अप्लाई किया गया, कंडीशन क्या अप्लाई किया गया, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाए तो प्रूफ कीजिए कि वो रेक्टेंगल ही होगा. यही प्रूफ करना है. किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर बराबर कर दिए जाए वो 100% क्या होगा, रेक्टेंगल. ये हमें प्रूफ करना है. तो आइए देखते हैं, जो प्रूफ करना होता है उसी का हम फिगर बना लेते हैं. ये हमारे पास एक, लेकिन आप जानते हैं पैरेललोग्राम हम इसे क्या कहेंगे, अभी फिलहाल कहेंगे ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. तो बच्चे देखो क्वेश्चन को जब भी हम करते हैं क्वेश्चन टू को, तो यहाँ सब हमें लिखना होगा कि हमें दिया क्या गया है, गिवन. तो आपको दिया गया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका एक पैरेललोग्राम है. और इस पैरेललोग्राम के बारे में जो दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल क्या होगा ये भी दिया है, AC अगर इक्वल हो जाए BD के ये भी दिया है. तो लिखा है प्रूफ दैट, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रूफ. क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल. ये क्या है, एबीसीडी को रेक्टेंगल अगर प्रूफ कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, हमें दिया सिर्फ ये है और ये है, पैरेललोग्राम है और ये है. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और एसी और बीडी को यूज करेंगे. तो चलिए हमें एक चीज ये भी जानना होता है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है जिसको हम इक्वल करेंगे. तो डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ एंगल के बारे में. ये पैरेललोग्राम है, इनमें सिर्फ ये एंगल जो होता है वो 90 नहीं होता. अगर किसी इन्हीं दोनों को मैं 90 कर दूं, इसको यहाँ है ऐसे, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया 90 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक इधर आके ये भी 90 हो जाएगा और ये जैसे 90 होगा सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएगा. तो सिर्फ मुझे एंगल को लेके आना. अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए एंगल बी 90 हो गए, एंगल ए या एंगल सी 90 हो गए, तो वो आसानी से पैरेललोग्राम जो है क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा. तो वही आपको करना है. तो इसमें अब हम देख लेते हैं कोई भी दो ट्रायंगल यूज करेंगे. तो हम ट्रायंगल यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल डीएबी एंड ट्रायंगल हम प्रूफ कर रहे हैं. डीएबी में और दूसरा जो ट्रायंगल है वो आपके पास है सीबी, ये दो ट्रायंगल हो गए. अब इस पर हम कांग्रुएंसी अप्लाई करेंगे. हमें मालूम है DA जो है वो इक्वल होगा CB के, प्रॉपर्टी का नाम अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. दूसरी चीज आपके पास है AB इज इक्वल टू BA, AB और GA दोनों कॉमन है.
तीसरी चीज आपको दी गई है, यहां ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में जो पहले ट्रायंगल लिखे उसमें डीबी है और ये एसी, तो आपको दिया है डीबी इज इक्वल टू सी ए, ये आपको दिया है, इसलिए यहां लिख देंगे डीबी। प्रॉपर्टी इसको कहते हैं साइड, इसको भी कहते हैं साइड और इसको भी कहते हैं साइड, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल डीएबी, डीएबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीबीए, सी बी और ए, ये मिल जाएगा। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपको मालूम है कि हमारे पास होता है सीपी सीडी, अब इन दोनों ट्रायंगल का कोई भी पार्ट अब क्या होगा इक्वल, हमने तीनों साइड का यूज कर लिया तो कौन से पार्ट बच जाएंगे, तो वो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ एंगल, तो हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है एंगल ए और एंगल बी की, तो मैं लिखूंगा सीपी सीडी से एंगल ए, देखिए यहाँ पे एंगल ए है और सेम पोजीशन पे एंगल बी है, ये है ए और बी हमने इक्वल दिखा दिया, इक्वल तो दिखा दिया लेकिन मेरा एम था 90 डिग्री लेना, जैसे ही मैं 90 डिग्री लिखूंगा तुरंत वो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, तो इसको मैंने सपोज कर दिया इज इक्वल टू एक्स डिग्री ले, हमने सपोज कर लिया, जब मैं इसको सपोज कर लिया तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी आप बहुत सारी जानते हैं, दो प्रॉपर्टी एक के नाम दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है को इंटीरियर एंगल, ये है ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये को इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड से इंटीरियर एंगल है, दूसरा सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आपको पैरेलल होगा, तो हम यहां लिख रहे हैं को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू एक्स, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, देयरफॉर आपके पास हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, ये आपके पास आ गया x की वैल्यू 90 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, अगर ये x की वैल्यू 90 डिग्री है तो अब आप ही बताइए x किसको सपोज किए थे, a, a 90 है, b 90 है, तो उसके ठीक सामने का एंगल भी इक्वल होता है 90 और ये 90, तो क्या प्रूव हो गया, जो पैरेललोग्राम एबीसीडी हमको दिया गया था वो प्रूव हो गया, वो क्या है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो आप यहां पे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, यहां पे आप लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री जो कि इक्वल होगा एंगल सी से, एंगल बी इज इक्वल टू आपने 90 प्रूव किया जो इक्वल होगा एंगल डी के, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, तो आर एंगल आपको दिख गए 90 डिग्री, देयरफॉर पैरेललोग्राम एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये मैंने ये हो गया। आइए तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चनों को करना होता है, आपको पहले क्या करना है फिगर फॉर्म करना है, गिवन प्रूफ क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे, सारी चीजें डिटेल में आप इसको करते हैं, जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैक्सिमम नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब चार नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर मैंने आप देखिए देखने में क्वेश्चन जो है वो एक सिंगल लाइन में लिखा होता है, जबकि इसके सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो ये बड़े हो जाते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चनों को बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे और बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, रोम्बस और रोम्बस शेप में बनाएंगे,
और इसे आप कहेंगे ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। आप फिगर पे जेड मत जाइएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि ये रोम्बस है, मैथ मैक्सिमम चीजें सपोज कर लेते हैं, ये रोम्बस है और इसको क्या है इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सही ही कर रहे हैं। इनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री। ये मैंने 90 डिग्री का सिंबल बना दिया, आप 90 डिग्री से देख रहे होंगे। इस पॉइंट का नाम आप O मेंशन कर लीजिए, बाइसेक्ट कर रहा है तो सिंबल बना लीजिए, ये 1 कट है तो ये भी 1 कट, तो इसका मतलब वो OB जो है OD के बराबर होगा और ये वाली लाइन इसके बराबर होगा, यही होगा। अब देखो दिया क्या है, तो ये साफ लिखा हुआ है इस ट्रायंगल आपको प्रूव क्या करना था, ये क्या है रोम्बस है, तो रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल का अंतर डिफरेंस, वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस हो सकता है जिसकी चारों साइड बराबर हो, मतलब अगर मैं इनकी चारों साइड को बराबर दिखा दूं तो मेरा काम खत्म, चारों साइड को बराबर दिखाना है। अब आप कैसे दिखाएंगे, तो आप सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है ये मेंशन करना होता है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल जो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, आपको दिया क्या है और अभी मेंशन कर रहे हैं ओ ए जो है इक्वल होगा ओ सी के, दूसरी चीज ओ बी इक्वल होगी ओ डी के, और आपके पास होगा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये सभी एंगल इक्वल है और ये है आपका 90 डिग्री। इतनी सारी चीजें आपको दी गई, बाइसेक्ट कर रहा था तो ये बराबर होगा, राइट एंगल दिया था तो राइट एंगल लिख लिया, हमारे पास इतनी चीजें हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो चलिए आपको करना क्या है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, आपको प्रूफ करना है रोम्बस, जितनी सारी चीजें पहले प्रूफ कर लेंगे अब जाके हम उसको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिए ये जीवन और इतना लिखना होता है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो सॉल्यूशन जो है इसका क्या होगा, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ डी सी ओ डी, ध्यान दीजिएगा जब भी हम ट्रायंगल दो ले रहे हैं तो उसमें ये एक साइड इक्वल है और ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है, यही सेम बच्चे प्रॉपर्टी यूज करेंगे सभी ट्रायंगलों में, तो हम एक जगह प्रूफ करते हैं और सबकी जगह क्या लिख देंगे सिमिलर, तो इन ट्रायंगल एओसी और सीओडी में आपके पास क्या है, एओ जो है वो इक्वल है सीओ के, ये क्या है गिवन है, दूसरा है बीओ इक्वल है आपके पास बीओ के, क्यों, क्योंकि कॉमन है, एक एंगल है तो वो आप रख लीजिए एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये भी आपको दिया है। देखो बच्चे इस एंगल को मैं बीच में लिखूंगा तो भी सही है, नहीं लिखा नीचे तो भी सही है। अब आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंस की, आपने 7 चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसमें
प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अगर इसको मैं जिस सीक्वेंस में लिखा हो उस सीक्वेंस में पढ़ूं तो साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन हम यहां से कभी नहीं पढ़ते हैं, हम हमेशा फिगर से पढ़ते हैं। तो आइए, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, और फिर ये क्या है साइड। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज कर ली, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन मिल जाएगा। ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीओडी, और ये मिलेगा सीपी सीटी से क्या मिलेगा, AD is equal to CD। ये पांच बातें क्या एक साइड बातें थी वो मिल गए। अब मैं इसी तरीके से इन दोनों को प्रूव करूंगा तो CD इससे मिल जाएगा। तो अब मैं यहां सिमिलरली यूज कर सकता हूं, सिमिलरली CD is equal to किससे होगा BC, BC is equal to AB और AB is equal to AD। एक में मैंने दिखा दिया सिमिलरली CD और BC, CD और BC कौन से ट्रायंगल में होंगे, तो इन ट्रायंगल DOC, DOC एंड ट्रायंगल BOC इसमें हो जाएगा। उसी तरीके से ये आप लिखेंगे किस ट्रायंगल में है, ये किस ट्रायंगल में लिखेंगे। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, फ्रॉम एबव इक्वेशन, अब इक्वेशन कहाँ है, तो ये रहा इक्वेशन वन, ये रहा टू थ्री एंड फोर। इन सभी इक्वेशनों से ध्यान दीजिए, एडी सीडी के बराबर, सीडी बीसी के बराबर, बीसी एडी के बराबर, और एडी फिर आ गया एडी के बराबर, तो चारों साइड क्या हो गई इक्वल। AD is equal to BC is equal to BC is equal to AB, therefore ABCD is a rhombus, ये क्या होगा rhombus होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री प्रूव हो गया। थैंक यू।